गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल मेडिको जंक्शन। माय डियर फ्रेंड्स, इन माय लास्ट लेक्चर वी लर्न द सेल मेम्ब्रेन। ओके, टुडे वी आर लर्निंग द साइटोप्लाज्म विच इज द थर्ड कंपोनेंट, सेकेंड कंपोनेंट ऑफ द सेल। ऑलरेडी वी लर्न देर आर द बेसिक थ्री कंपोनेंट ऑफ द सेल। फर्स्ट इज द सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। इन माय लास्ट लेक्चर वी लर्न द सेल मेम्ब्रेन, ओके, विच इज द बायलेयर्ड, ओके, एंड मेड अप बाय द थ्री काइंड ऑफ द प्रोटीन्स, सॉरी लिपिड्स, लाइक द फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल एंड कार्बोलिपिड्स। ओके, टुडे वी आर लर्निंग द साइटोप्लाज्म, मीन्स साइटोप्लाज्म, दिस इज द साइटोप्लाज्म। देयर आर द बेसिक टू कंपोनेंट्स ऑफ द साइटोप्लाज्म। फर्स्ट वन इज साइटोसोल एंड नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ साइटोप्लाज्म इज द सेल ऑर्गेनेल्स। ओके, साइटोप्लाज्म में बेसिक टू कंपोनेंट्स है, साइटोसोल एंड सेल ऑर्गेनेल्स। ओके, साइटोसोल, दिस इज द साइटोसोल। साइटोसोल इज बेसिकली द मटेरियल विच इज इन विच दिस सेल ऑर्गेनेल्स आर एम्बेडेड। ओके, एक ऐसा फ्लूइड मटेरियल है जिसके अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स क्या एम्बेडेड है, डूबे हुए है, मीन्स फ्लोटिंग है, तैर रहे हैं। ओके, दिस सेल साइटोसोल इज कंटेन अप्रोक्स 7 वाटर एंड सॉलिड एंड सॉलिड्स मटेरियल्स। ओके, इन विच वाटर इज अप्रोक्स 70-90%। इस साइटोप्लाज्म में जो साइटोसोल है, उस साइटोसोल का जो वाटर है उसका वो कितना था, लगभग 70-90% क्या होता है, वाटर कंटेंट होता है। एंड देर आर द फ्यू सॉल्यूट्स, सॉल्यूट इन द सेंस लाइक द मिनरल्स, मिनरल्स और आयंस लाइक द कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोरीन आयंस। तो कुछ इसके अंदर क्या होते हैं, सॉलिड फॉर्म में मिनरल्स होते हैं, एज वेल एज देयर आर द प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन इज ऑल्सो देयर, कार्बोहाइड्रेट, ओके, एंड लिपिड्स। दीज कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन द साइटोसोल। ओके, एंड इसी के अंदर क्या होता है, कुछ एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके अलावा इस साइटोसोल के अंदर क्या होता है कि कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल्स हैं जो क्या होते हैं, जो एनर्जी स्टोरेज सोर्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इन द सेंस क्या होता है, ड्रॉपलेट फॉर्म में इसके अंदर कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कोलेजन जो कि एनर्जी का एक सोर्स है, ड्रॉपलेट फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो ये क्या अपना पार्ट था, अपना साइटोसोल ऑफ द साइटोप्लाज्म। एंड इसके अंदर क्या होती है, सेल ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स लाइक द बेसिक सेल ऑर्गेनेल्स लाइक द दिस वन इज द सेंट्रोसोम विच इज प्रेजेंट जस्ट ओनली नियर टू द न्यूक्लियस, एज वेल एज माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, दिस वन इज द गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम, सेक्रेटरी वेसाइकल, परऑक्सीसोम, क्रोमेटिन नेटवर्क नहीं, सेंट्रोसोम, और इस टाइप से क्या होते हैं, जो भी ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स हैं, ये क्या है अपनी बेसिक सेल ऑर्गेनेल्स जो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। अब ये क्या होता है डियर फ्रेंड्स, कि इसी साइटोप्लाज्म के से क्या कुछ आयंस होते हैं या फिर कुछ एक्सक्रेटरी मटेरियल होते हैं, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। वो क्या होते हैं, इस सेल मेम्ब्रेन के सबसे एक्सचेंज होते हैं, मींस इंट्रासेलुलर मटेरियल और एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल के बीच में क्या होता है, इनका एक्सचेंज होता है अकॉर्डिंग टू द नीड। ओके, तो डियर फ्रेंड्स, दिस वॉज द स्मॉल पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। आई होप आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लग रहे होंगे, तो प्लीज इसको, इस मेरे लेक्चर्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। एक बार और बता दूं मेरे दोस्तों कि आप डिस्क्रिप्शन, अगर आपको कंप्लीट नोट्स चाहिए, अगर आप किसी क्लास कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं तो डिस्क्रिप्शन की रिक्वायरमेंट होती है आपको राइटिंग मटेरियल लिखने के लिए, एग्जाम के लिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में क्या होता है मेरे दोस्तों, क्लिक कीजिए, वहाँ पे आपका फुल मटेरियल प्रेजेंट है। थैंक यू।